बात तब की है जब चार्ली चैपलिन ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा था। 19 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन को पहली बार प्यार हुआ। वो लंदन में रंगमंच करते थे और 15 साल की वो लड़की भी उसी थिएटर में नर्तकी थी। उसका नाम हेटी कीली था। जब चार्ली ने पहली बार उसे देखा, वो रिहर्सल कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने चार्ली को बुलाकर अपना आईना थमा दिया और उसमें देखते हुए वो अपने बाल बनाने लगी। इतनी सी देर में चार्ली ने प्रस्ताव दे दिया कि रविवार को मेरे साथ घूमने चलोगी। इस पर वो लड़की पहले तो खिलखिलाकर हंसी और फिर बोली, तुमने अपनी नाक पर लाल रंग की गेंद लगा रखी है। मुझे ये भी नहीं पता कि जोकर के इस मेकअप के पीछे तुम्हारा असली चेहरा कैसा है। अगले दिन चार्ली ने शो के बीच में उसे अपनी फोटो दिखाई और वो लड़की मिलने के लिए राजी हो गई। रविवार को जरूरत से ज़्यादा उत्साहित चार्ली उस लड़की को प्रभावित करने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें, दिलकश अदाकारियाँ, लड़की बस मुस्कुराती जा रही थी। चार्ली उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले गए, लेकिन वो तो घर से खाना खाकर आई थी। दोनों टेम्स नदी के किनारे टहलते हुए बातें करते रहे। उस मुलाकात से चार्ली इतने खुश थे कि हेटी को घर छोड़ने के बाद लौटकर वापस टेम्स के किनारे आए और जेब में जितने पैसे बचे थे वहां सोए भिखारियों को दान कर दिया। चार्ली के मन में अपनी प्रेमिका के लिए जितनी कल्पनाएं थी, हेटी के लिए सबका साकार रूप थी। 3 दिन तक दोनों मिलते रहे, साथ टहलते और बतियाते रहे, लेकिन चौथे दिन सब कुछ बदल गया। हेटी केली का व्यवहार रूखा और उदासीन था। चार्ली ने उससे पूछा, ऐसा लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने जवाब दिया, तुम 19 साल के हो और मैं 15 साल की, हम दोनों के एज में बहुत अंतर है। बात बढ़ती गई, बातों ही बातों में गर्मी भी बढ़ती गई। चार्ली बार बार पूछते रहे, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो हर बार कहती रही, मुझे नहीं पता। गुस्से में आकर चार्ली ने कहा, तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब तुम नहीं करती। बस बहुत हुआ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कहकर चार्ली ने उम्मीद की थी कि हेटी केली उसे रोकेगी, पर वो खामोश खड़ी रही और चार्ली वहाँ से चले गए। घर लौटकर चार्ली को अपने व्यवहार पर बहुत अफसोस हुआ। वो अगले दिन रोज़ की तरह हेटी केली के घर पहुँचे। दरवाजे पर ही उसकी माँ ने डांट लगा दी, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ। कल वो रोते हुए घर लौटी और रोते रोते ही सो गई। अब तुम उससे नहीं मिल सकते। चार्ली ने अलग अलग तरीके से मनुहार की, तब उसे हेटी केली से मिलने दिया गया। देर तक रोते रहने की वजह से हेटी केली की आंखें धुली और ताज़ा लग रही थी, लेकिन उनमें एक घायल उदासीनता साफ दिख रही थी। क्या कहूँ, चार्ली को सूझा ही नहीं। अटकते हुए उसने 2 बार एक ही बात कही, मैं तुम्हें फिर से अलविदा कहने आया हूँ। दोनों ही बार हेटी ने कहा, ठीक है अलविदा। चार्ली उसके घर से बाहर निकल गए। पीछे से एक दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने की आवाज़ सुनाई देती रही। ये 1908 का बरस था। चार्ली इसके बाद हेटी केली से कभी नहीं मिले, लेकिन 3 दिनों का ये प्यार उनके जीवन पर हावी रहा। वो कभी हेली को भुला नहीं पाए। उनकी ज़्यादातर फिल्मों में नायिकाएं हेटी केली का प्रतिरूप रहती थी, उसी की तरह चलती और आँखें झपकाती। चार्ली को ताउम्र अपने व्यवहार का अफसोस रहा। वो सोचता रहा, मैंने एक बार भी हेटी केली को ये बताने की कोशिश नहीं की कि 3 दिन में ही मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, लेकिन हर बार उससे ये पूछता रहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जो बातें खुद कहनी चाहिए, उसे सामने वाले से सुनने की उम्मीद करना दरअसल एक नादानी थी। चार्ली ने अपने पहले प्यार को इसी नादानी के चलते खो दिया। यही नहीं, एक ही झटके में उसने वो सारे पुल तोड़ दिए जिनसे वो हेटी केली तक दोबारा पहुंच सकते थे। फिर 1921 में अमेरिकी सुपरस्टार बनने के बाद चार्ली चैपलिन जब वापस लंदन लौटे तो पाया हेली केटी 3 साल पहले ही मर चुकी है। अब चार्ली के पास हेली को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं था।